आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास। उल्हासनगर शहर में फिर एक बार एक बड़ा हादसा हुआ है। शुक्रवार की शाम सपना गार्डन के नजदीक सिंदड़ी सागर नामक इमारत का स्लैब भरभरा कर गिर गया। यह हादसा इतना बड़ा था जिसमें एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही तुरंत वहां पर दमकल विभाग, पुलिस विभाग तथा मनपा प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी पहुंच गए। उन्होंने जल्दी से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। यह घटना इतनी दुखद है जिसका बयान करना शब्दों में नहीं हो सकता, क्योंकि यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी यह सिलसिला लगातार जारी रहा है। स्नेह सागर, गुडमैन्स कॉटेज, शीश महल, बस नंबर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इमारतों के स्लैबों का गिरना बदस्तूर जारी है। आखिरकार क्या दोष है उन बेचारे लोगों का जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन की कमाई से यहाँ पर फ्लैट खरीदे हैं? बिल्डरों को भी दोष दिया जा रहा है। हालांकि यह भी सत्य है कि बिना मनपा अधिकारियों की मिलीभगत के कोई भी इमारत इस तरह नहीं बन सकती। हालांकि सिंदड़ी सागर इमारत यह खतरनाक जोन में नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके स्लैब गिरने से खलबली मच गई है। सिंदड़ी सागर इमारत में रहने वाले मनोहर लाल की दर्दनाक मौत हो गई और इसके अलावा कुछ लोग घायल हो गए, जिनका उपचार सेंट्रल अस्पताल में किया गया। ये एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि आखिरकार हादसों का यह दौर कब तक जारी रहेगा। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्हास।